हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। एंड में करेंगे फिल्म के स्टार कास्ट में हमारे शमशेर अली खान हैं, आकांक्षा दुबे हैं, कुणाल जी हैं, गोपाल राय जी हैं, और मैं विलन जो है मेन विलन इंट्रोड्यूस किया हूँ, आरिफ रजा हैं, और इसमें बेस्ट से बेस्ट एक्शन जो डायरेक्टर हैं मोजिस फर्नांडिस हैं, डीओपी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं मनीष ब्यास जी हैं, हमारी राइटर जो है अपना मोहसिन किदवई जी हैं, लोकेशन देखिए हम लखनऊ करेंगे, लखनऊ में शूट करेंगे इसको, और कोई सब्सिडी का चक्कर नहीं है हमारा, ये नहीं कि लखनऊ आजकल लोग जा रहे हैं तो सब्सिडी वहाँ लेंगे, वो हमारा चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारे फिल्म को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो समझिए कि पंजाबी पिक्चरों के यशराज हैं, राजन बत्रा जी, उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, राजन बत्रा जी ने, मेल करा दे रब्बा जी ने, मेरे दिल लुटिया, इससे पहले मैं एक हिंदी फिल्म बना चुका हूँ जो कम्प्लीट है, मार्च में रिलीज है, अतरुप हिंदी पिक्चर है हमारी, अतरुप जो मार्च में रिलीज है हमारी। आपका
किस तरह की कहानी होगी इस फिल्म में, तुम लोग चुप रहो ना यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो सर? चलो जी सर, आप थोड़ा सा ये उनको दे दीजिए, थोड़ा सा ना आगे रहिए। कहानी एक गांव की कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है ये। गांव में जो आजकल दिखाते हैं थोड़ा मोड़ा मर्डर मिस्ट्री पे, तो वही जो दब आजकल भोजपुरी में आ रहा है, मतलब ठाकुर वाकुर का रोल होता है, वो हमेशा बदला लेता है, तो इस टाइप पे नहीं है, थोड़ा हटके है ये भोजपुरी हमारी, ये हिंदी टाइप है, हटके है थोड़ा सा। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी कहानी मैं डिटेल्स बता नहीं सकता हूँ। ये काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ और फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी स्टोरी है, ये कुछ हटकर है जैसे कि सर ने अभी बताया, कुछ हटके है। अपने बारे में कुछ बताइए, इससे पहले आपने क्या किया है और मैं तो क्या तैयारी कर रही हूँ? इस फिल्म के लिए मैं जिमनास्टिक वगैरह और फाइट वगैरह सीख रहा हूँ, एक्टिंग वगैरह और डांस वांस ये सब सीख रहा हूँ। ये फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट मूवी है मेरा, फर्स्ट मूवी है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण से। बिहार में कहाँ के रहने वाले? चंपारण से। भोजपुरी सिनेमा का क्या सोच है आपकी, क्यों करना चाहते हैं? सर शुरू से ये ड्रीम था मेरा एक्टर बनने का। हीरो की फिल्म आपने ज़्यादातर देखा है? सबकी देखता हूँ सर, जैसे जैसे ले लो खेसारी जी और भी है, पर ज़्यादा खेसारी जी का देखते हैं। में क्या अच्छा लगता है आपको, एक्शन अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छा उनकी कॉमेडी अच्छी लगती है। आप किस तरह ज़्यादा करो? मैं एक्शन कैरेक्टर सर। फिल्म के आप दो नए लड़कों को, एक नया लड़का एक नई लड़की लॉन्च कर रहे हैं, लड़की तो आ चुकी है, फिल्म आ चुकी है, क्या दोनों को सोच के सिनेमा बना रहे हैं आप? देखिए आजकल भोजपुरी में डेट चला है कि भोजपुरी में नया लड़का नई लड़की नहीं चलती है, तो ये गलत है। आपके स्टोरी में जान होगा, आपके पिक्चर बढ़िया बनेगी तो डेफिनेटली बढ़िया चलेगा, पब्लिक आएगा, ये हमारा, ये हमारा जो हीरो है, मतलब एक्शन का बेताज बादशाह है, एक्शन में बेताज बादशाह, पहली बार इस भोजपुरी के इतिहास में एक एक्शन हीरो आ रहा है। जी विनय बिहारी जी, हाँ हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी संगीत है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आकांक्षा दुबे। सजाद खान जी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक डायरेक्टर है और खुद ही ये एक फिल्म एज अ एक आर्टिस्ट मतलब शमशेर है, जो बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है और बहुत मेहनत की है इसने, और मुझे तो उन्होंने पहले से ही साइन किया था, और ये फिल्म तो मुझे लग रही है स्टोरी जहाँ तक मैंने सुनी है फिल्म बहुत ही अच्छी और एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है, हमारे भोजपुरी की जैसे नहीं है कि वल्गरिटी जो हम नए नए वर्जन ला के फिर उसके अंदर वल्गरिटी डाल दे रहे हैं, ये वल्गरिटी इस फिल्म में नहीं है, एकदम नेचुरल फिल्म, अच्छी फिल्म है कि हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और सर हम शूटिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं? फरवरी एंड करेंगे, फरवरी एंड में हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। पीछे पोस्टर जो लगा है सब देखिए, बताइए क्या करना। एक्चुअली ये जो इसमें जो लेडी है, जो लेडी का कैरेक्टर है, एक तो चुलबुली है और एक बहुत एकदम डॉन जैसे रहती है, आई मीन लेडी डॉन जैसे, तो जो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो लेडी डॉन टाइप का है, तो जो चुलबुली है वो गांव की लड़की चुलबुली, मैं लेडी डॉन मतलब मैं बाहर रहती हूँ, और मेरा कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग पावरफुल है, और मुझे ऐसी ही कैरेक्टर चाहिए थी जो मुझे आज तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं दिया, सब ने वही गांव टी फिर वो थोड़ा मॉडर्न टाइम में, और जो मुझे लेडी डॉन वाला कैरेक्टर चाहिए था वो मुझे इस फिल्म में मिला है। थैंक यू सो मच सहजाद सर। मैं तो एक्चुअली मुझे जो स्टार हीरो जो रहते हैं उनके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं रहते जितना नए हीरो के साथ रहता है, मैं उनको कॉपरेट करती हूँ वो मुझे कॉपरेट करते हैं, नए हीरो के कुछ नखरे नहीं होते हैं। भोजपुरी में ऐसा कौन सा हीरो जो कंफर्टेबल नहीं है स्टार में? स्टार में बहुत से हैं, अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए बट बहुत से हैं, मुझे बहुत लगता है कि यार नहीं नहीं बहुत है, अब किन के नाम लूँगी मैं, फिर भी अपने जगह पे सब सही हैं। मैंने चिंटू पांडे जी के साथ किया है जय शंभू, और खेसारी जी के साथ किया है मेरी जंग मेरा फैसला जो ऑन फ्लोर रिलीज है, और वीरो के वीर किया है वर्ल्ड वाइड की पिक्चर, और रितेश पांडे जी के साथ किया है जीत,
बहुत सारी मूवी की है जो मैंने एक साल के अंदर ऑन फ्लोर है। जी एक्चुअली मैं फर्स्ट हीरो के साथ नहीं कंफर्टेबल थी जिनकी मैंने फिल्म की, रत्नाकर जी की वीरों के वीर, निवेदन चौधरी जी से मैं नहीं अनकंफर्टेबल, एकदम अनकंफर्टेबल थी मैं उनसे, मतलब काम करने में। हाँ वही नए हीरो की बात कर रहे हैं तो अभी वो थोड़ा सा उनका भी भोजपुरी सेलिब्रिटी में, तो फिर एक हो गए अपने मनोज आर पांडे जी बहुत अच्छे इंसान है, बट बहुत एकदम बहुत मैं अनकम्फर्टेबल रहती हूँ उनसे काम करने में, बट लेकिन बहुत अच्छे हैं। है बहुत सारे हीरो, अब उनके नाम बताएंगे तो फिर विवाद हो जाएगा हम एक्ट्रेस में और हीरो में तो इससे बढ़िया बताना ही नहीं चाहिए। भोजपुरी में गाना आपके लिए कितना अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा। सॉन्ग आपके लिए कितना अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आई मीन फिर भी इक्वल ज़्यादा नहीं। विनय बिहारी सर जी, हाँ वो भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छे इंसान है। आई थिंक मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मुझे 2 साल हो गया इंडस्ट्री में और बहुत सीधे बंदे हैं वो, और उनकी शायद हम म्यूज़िक उन्हीं के हमारे मूवी में है तो देन उनसे तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बस देखे हैं हम, अच्छे इंसान हैं। 1720 से मैं करीब 10 साल से जुड़ा हूँ और अभी जो मैं एक फ़िल्म बनाया उनके वजह से बनाया, अतृप्त मेरी हिंदी फिल्म है और इसमें बत्रा जी हमको बहुत सपोर्ट किया। और आपने भोजपुरी की फर्स्ट मूवी होगी, क्या कुछ तैयारी आपने किया? तैयारी ऑलमोस्ट सब ओके है। और तो गीत और संगीत पर कितना ध्यान दे रहा और कौन कौन है? संगीत में हमारे जो है ना विनय जी हैं और अनुज तिवारी जी हैं, दो लोग हैं। ठीक है, बिहार के दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, बिहार के दर्शकों को मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्यों देखना चाहेंगे, वो हमारी जो डिजाइन आएगी, हमारी जब प्रोमो कटेगा लोग देखेंगे कि अश्लील नहीं है, जो आजकल अपनी सिस्टर के साथ में भी अगर ऑटो में बैठूँ तो अश्लील गाने नहीं बजे, मेरा ये इसलिए मेरी पिक्चर देखेंगे। मैं ये पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगा कि मैं अपनी सिस्टर के साथ देख सकूँ, ये मेरे फैसला है। अश्लील तो नहीं होगा लेकिन देखने लायक क्या होगा? देखने लायक तो सर बहुत कुछ होगा इसमें, आप जब आइएगा पर्दे पे देखने के लिए, थिएटर में आइएगा टिकट कटा करके देखने लायक तो बहुत कुछ होगा, हमारी हीरोइन देखने लायक होंगी, हमारे शमशेर जी होंगे देखने लायक, बहुत कुछ होगा देखने लायक, एक्शन होगी इसमें। आकांक्षा और कौन सी फिल्म आने वाली आपको? जी मेरी तो फिल्में बहुत सारी है, अभी कुछ पता नहीं, एक मुझसे शादी करोगी फिल्म है जो लॉन्च होने वाली, वो भी मुझसे कोई नहीं शादी करने वाला और ना मैं करने वाली हूँ ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में तो नहीं। पहले शादीशुदा हूँ? नहीं नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। भाई मेरे बच्चे हैं शादीशुदा हूँ, दो बच्चे शादीशुदा हैं, हमारे हीरो जी कुंवारे हैं वो भी शादीशुदा नहीं है, सब यहाँ पे कुंवारे हैं। देखिए शहजाद खान जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। जैसा कि शहजाद खान ने भी अभी इस मुहूर्त के अवसर पे कहा कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसे 3 पुश्त के लोग एक साथ बैठ के देख सकें। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वैसी फिल्म में गीत संगीत देने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिसमें निर्देशक जो है वल्गैरिटी से दूर रहने की बात कर रहे हैं और ऐसा काम करने में आनंद आता है क्योंकि भोजपुरी की जो असली पहचान है उस पहचान से हमारे बहुत सारे साथी दूर हो गए हैं। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि शहजाद खान जी ने कहा कि हम गीत संगीत या सिनेमा का कोई ऐसा सीन ऐसा नहीं होगा जो किसी भी दर्शक को लज्जित करे या विवश करे इस बात को कहने के लिए कि भोजपुरी में अभी भी ऐसी चीज़ें व्याप्त हैं जो जिसका दावा लोग हमेशा ठोकते रहते हैं कि हम इससे दूर हैं। तो
हमारे चंपारण से हैं, हमें हमारी ओर से चूँकि मैं भी उसी माटी से हूँ और चंपारण से होने के नाते स्पेशली उनको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनके आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूँ। अच्छे फिल्म बनाएं, हमसे अच्छा संगीत लें, गीत लें, और गीत संगीत का जिम्मा उन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने तमाम भोजपुरी दर्शक श्रोता बंधुओं को मैं अपने गीत संगीत से प्रसन्न करूंगा, फिल्म में उन्हें आनंद प्राप्त होगा, मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी सोच है, और मैं अपने सोच के हिसाब से और जो निर्देशक हमारे हैं उनके सोच के हिसाब से आप सबों को एक स्वच्छ स्वस्थ संगीत गीत आपको दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मीना जी, बिहार में कभी चले चल रहा था बाहर को लेकर के पटना का, तो बोलते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो पटना के लिए क्या किए हैं ये पटना देखता है, लेकिन आजकल की जो जनता है उसे अचानक कोई दुख आता है तो वो पुराने जो भी काम किए हुए होते हैं उसको किनारे पर रख करके अपनी बात कहती है जनता। जनता को कहने का हक भी है, क्योंकि पटना की आबादी जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से बाकी व्यवस्था नहीं बढ़ी, नाली जो है उसका प्रॉब्लम है। मैं खुद ही कंकड़बाग में, मेरा भी अपना मकान है, कंकड़बाग इस बार जो समस्या थी बहुत गंभीर समस्या थी, अचानक बरसात से उत्पन्न ये समस्या उस बात की ओर इंगित करती है कि जिस तरह की आबादी बढ़ी है उस तरह की व्यवस्था नहीं बढ़ी है, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, हम इस बात को अपने ऊपर लेते हैं कि हम समस्या को जितना हमें रोकना चाहे तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन मिला जुला कर अगर ये बात कहें तो नीतीश कुमार जी का प्रयास अच्छा रहा है, नीतीश कुमार जी ने अपना प्रयास ठीक किया है, और जो समस्या है उसके लिए अब हम लोग गंभीरता से लिए हैं, क्योंकि समस्या आज की तो है नहीं, 40 साल पहले 44 साल पहले बाढ़ आई थी जो पटना की समस्या वैसी समस्या इस बार हुई थी, तो 44 साल सिर्फ नीतीश कुमार जी तो थे नहीं, 15 साल थे। तो मुझे लगता है कि हम हैं सरकार में तो हमें हमारे ऊपर दोष आएगा, और हम जनता के दुख के साथ हैं, जनता दुखी थी, जनता को समस्या हुई, और जनता ने जो कुछ भी कहा हम सर आँखों पर लेते हैं, और हम अपनी सरकार की तरफ से, उतने बड़े नेता नहीं हैं फिर भी अपनी सरकार की तरफ से ज़रूर कहेंगे कि आज के बाद, इस मौसम के बाद, इस बरसात के बाद शायद ऐसी नौबत राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जनता है, उनको नहीं आएगी। हम लोग इस पर ऊपर सरकार और नीचे सरकार दोनों सरकार की बैठकें हुई हैं और काम हो रहे हैं, अभी कोई अगर पटना गया होगा तो ज़रूर उसे काम दिखाई पड़ा होगा। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो अपने स्तर पर हेल्प नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव का नाम सामने बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पप्पू यादव के स्पेशली धन्यवाद है, पप्पू यादव को धन्यवाद देना इसलिए लाजमी है कि पप्पू यादव अपने भारी भरकम शरीर के साथ जितना मेहनत करते हैं कोई और नेता नहीं करता, शायद मैं भी उतनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, मैं भी, मेरा भी बाढ़ का क्षेत्र है, मैं भी पानी में घुसता हूँ, मैं भी पानी में जाता हूँ, हाफ पैंट और गंजी पहन के घूमता हूँ बाढ़ में, हाँ बनवाया, लेकिन मैं राजनीति से हट के पप्पू यादव जी के स्पेशल थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि वो जनता के बीच में अपना समय देते हैं, और इस बाढ़ की समस्या जो आई थी कंकड़बाग और राजेंद्र नगर की, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने किया है, और समाज की भक्ति, देश की भक्ति उनकी प्रदर्शित हुई है, हमको उनसे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि अच्छा काम करते हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस फिल्म में आपका संगीत है, किस तरह का होगा, क्या है? संगीत अच्छा होगा, और हमारे निर्देशक महोदय ने कह भी दिया है कि हमारी इस फिल्म में कोई ऐसे गंदे सीन नहीं होंगे, कोई ऐसा गंदा गाना नहीं होगा, और संगीत तो गंदा होता नहीं है, गीत गंदा होगा या दृश्य के जो डायलॉग्स होंगे वो गंदे होंगे या दृश्य गंदा होगा, संगीत गंदा नहीं होता, वो सरस्वती की मतलब एक ऐसी सरस्वती का एक ऐसा रूप है, वो गंदा हो ही नहीं सकता,
गीत अच्छे होंगे, संगीत अच्छा होगा और फिल्म जैसा हमारे निर्देशक महोदय ने कहा कि फिल्म में तीन पुश्त तीन पीढ़ी की व्यवस्था होगी, तीन पीढ़ी के लोग एक साथ इस फिल्म को देखेंगे, किसी को किसी से लाज और शर्म की बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी फिल्मों में अगर डायरेक्टर कहता है कि हमारे फिल्म में हमारी फिल्म में कोई ऐसा गाना नहीं होगा, हमारी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं होगा, तो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू शहजाद खान, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें, चंपारण का नाम रोशन करें और कामयाबी उनके कदम चूमे, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नीतीश जी 15 साल से सत्ता में है, तो 15 साल से जब सत्ता में रहे तो देखिए, मैंने कहा कि जो भी स्थिति हुई है उसकी जिम्मेवारी मेरी सरकार ले रही है, इससे हम नहीं भाग सकते। जिम्मेवारी आप ले रहे हैं, लेकिन जब 15 साल से आप सत्ता से ऐसी नौबत नहीं आ रही है। देखिए एक चीज बता, देखिए बता रहा हूँ, आपका प्रश्न सही है, जनता को परेशानी हुई ये भी सही है, हमारी सरकार प्रयास कर रही है ये भी सही है, लेकिन मैं एक बात बोला हूँ कि पटना शहर पे जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से जनसंख्या का दबाव है, उस दबाव को देखते हुए जिस तरह से ज़मीन का अतिक्रमण है, जिस तरह से नाला नाली के ज़मीन में पॉलीथीन लोग डाल रहे हैं, उस तरह से मेरा कहना है कि नीतीश कुमार जी हों या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज शौचालय के ऊपर इतनी बात हो रही है, शौचालय बनाने के लिए एक सहयोग राशि भी दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज भी सड़कों पर शौच कर रहे हैं। तो हमारे ये बड़े नेता या हम लोग लालटेन या टॉर्च लेकर के सड़क पर तो बैठे नहीं, तो कुछ ऐसी भी बातें हैं जो जिम्मेवारी हमारी जनता को भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि हम जहां रह रहे हैं वहां के वातावरण को साफ रखें, हम जब हमारा कचरा रखने का डब्बा रखा हुआ है उसके बावजूद पॉलीथीन में कचरा बांध करके और नाले पे फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सरकार को ही सोचना है, अगर हिंदुस्तान में स्वच्छता लाना, हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाना, हिंदुस्तान को साफ सुथरा देश बनाना है, तो जितनी भूमिका नेताओं की है उससे कम भूमिका जनता की नहीं है। तो मेरा जहाँ तक है कि हम जनता को तो दोष नहीं दे सकते, हम अपनी व्यवस्था की कमी जो है उसके लिए हम ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह जनता का दबाव है, जिस तरह आबादी है, उस तरह हमारी व्यवस्था नहीं थी जिसके चलते ये समस्या हुई, आइंदा नहीं होगी, हम इसके लिए तटस्थ हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। विनय जी, खेसारी लाल यादव बिग बॉस में जा रहे हैं जी, खेसारी लाल यादव बिग बॉस में जा रहे हैं, हाँ आपकी शुभकामनाएं चाहिए, हाँ खेसारी जी के पास मेरी हार्दिक शुभकामना है, बिग बॉस में जाएं, अच्छा करें, लेकिन हम दिल से शुभकामना तब देंगे जब ये तीन बच्चे पद्मश्री पाए, पद्म विभूषण पाए, क्योंकि ये खेद है, मुझे तकलीफ़ है कि इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े फैंस हैं, इनकी फैंस फॉलोइंग इतनी बड़ी है ना, लेकिन आज तक इनके पास एक दो चेक नहीं है सरकारी प्रोग्राम का। तो अपने स्तर को सुधारें, अपने गायकी को सुधारें और उस लिस्ट में अपना नाम डलवाएँ, उस लिस्ट में अपना नाम अंकित कराएं जिसमें पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी और पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का नाम आता है। आज तक पद्मश्री भोजपुरी में मिला तीन महिलाओं को, आज तक किसी पुरुष को नहीं मिला है। तो मैं ये बात पवन सिंह, सिर्फ खेसारी लाल जी के लिए नहीं, पवन सिंह जी के लिए कहूँगा, खेसारी लाल जी के लिए कहूँगा, दिनेश लाल जी के लिए कहूँगा कि ये त्रिदेव अपने आप को देवता मानते हैं, तो ये त्रिदेव कुछ ऐसा काम करें कि इन्हें पद्मश्री प्राप्त हो, पद्म विभूषण प्राप्त हो। ये बिग बॉस में जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे भोजपुरी स्टार बिग बॉस में जा रहे हैं तो ये हम उनको धन्यवाद जरूर कहेंगे कि बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो बिग सम्मान ये बिग बॉस में जाने से नहीं है, बिग सम्मान है पद्मश्री लाओ, पद्म विभूषण लाओ। बट नेशनल टेलीविजन का सबसे बड़ा शो है, सलमान सर इसको होस्ट करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खेसारी लाल जा रहे हैं और उन्हें भी कहा गया है कि ऊपर आपको क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बोल रहा हूँ कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार पहले भी जा चुके हैं, कोई खेसारी लाल पहला बार थोड़े जा रहा है भोजपुरी से, है भोजपुरी से हमारे बिग बॉस में 4-5 लोग पहले से जा चुके हैं, फिर भी अचीवमेंट छोटा हो या बड़ा हो,
पर्सनल मतभेद मनभेद अपनी जगह है, कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको बधाई मिलनी चाहिए। मैं दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरी विनय जी, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आंखें गड़ाई बैठी हुई है कि खेसारी लाल यादव और विनय बिहारी, ये दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते आप। नहीं, ये गलतफहमी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो खेसारी लाल जी हों या पवन सिंह जी हों या दिनेश लाल जी हों या मनोज तिवारी हों, सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा कहना एक ही लाइन में है, आप कहते हैं कि दो किनारे हैं, आपको शायद नहीं मालूम है कि मैंने खेसारी लाल की 15 फिल्में की है और अभी एक फिल्म किया हूँ मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3। हमसे बोला गया खेसारी लाल जी का गाना लिखेंगे, हम कहे क्यों नहीं लिखें, किसी चैनल पर बोला क्या कि मैं खेसारी लाल जी का गाना नहीं लिखूँगा। मैं 600 फिल्मों से ज़्यादा कर चुका हूँ, लेकिन आज भी मुझे भूख है और मेरे लिए कोई फिल्म छोटी और कोई फिल्म बड़ी नहीं होती है। जो चल गई वो बड़ी फिल्म है, जो नहीं चली वो छोटी फिल्म है। जो गाना बज गया वो बड़ा गाना है और जो गाना नहीं बजा वो छोटा गाना है, हमारे लिए यही है। और आज 25 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और आज भी उतना ही हूँ और बाकी लोगों से मैं अलग हूँ। लोग पार्टी के सैम्बुल पर जीत के आए हैं, मैं निर्दल जीत के आया हूँ। आज जो लोग अपने आप को पार्टी का बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, जो बड़ी बात करते हैं या जो लोग जाने वाले हैं, निर्दल जीत के आओ ना, बिना बिहार सैल्यूट मारेगा। अब पार्टी के बल पर तो बहुत लोग जीत के चले गए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तो कौ चला गया है, तो क्या कहेंगे उसको। हमारी बात एकदम स्पष्ट है, हम स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं, बात कोई खारा खरी हो के चाहे धारा धोरी ना, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, ना हमारी दाल रोटी किसी से चलती है। खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, कोई लाल हो, मकई लाल, मसूरी लाल, उर्दी लाल, कोई लाल हो, काम अच्छा करेगा बोलूँगा अच्छा कर रहा है, काम अच्छा नहीं करेगा हम कहेंगे अच्छा नहीं कर रहा है। इसलिए हमें किसी से दाल रोटी नहीं प्राप्त होती है। मैं भोजपुरी के लिए बना हूँ, भोजपुरी में काम करता हूँ, मेरे लिए हर स्टार खेसारी लाल है, हर स्टार पवन सिंह। सर आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो तीनों स्टार हैं भोजपुरी के, तो आप उनको मतलब सब लोग उनसे डरते हैं कि आप अपने दम पे रह रहे हैं इस इंडस्ट्री? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा खर्चा किसी से नहीं चलता, मेरा मालिक ऊपर वाला है और मैं ऊपर वाले की मर्जी से यहाँ हूँ, जिस हालात में हूँ। मुझे किसी का उस तरह का सहयोग प्राप्त तो नहीं हुआ है और ना मैं किसी से सहयोग मांगने आया हूँ, ना मांगता हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो लोग पता भी नहीं था कि लोग जन्म लिए थे कि नहीं जन्म लिए थे, तो मुझे क्या इन लोगों से लेना है। लेकिन एक चीज़, हर आदमी जो बड़ा होता है उसके हाथ में आशीर्वाद होता है, तो अगर ये बच्चे अच्छा करते हैं तो मेरा आशीर्वाद है। मुझे दुख जिस बात का है, जिस बात के लिए मैं दुखी हूँ कि आज तक पद्मश्री 3 महिलाओं को मिला, 3 पुरुषों को क्यों नहीं मिला। आप इतने बड़े स्टार हैं तो आपको पद्मश्री क्यों नहीं अच्छा काम करते हैं, भोजपुरी को उस लेवल पे ले जाइए कि आपको पद्मश्री प्राप्त हो। और मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ कि औधी गायिका है, मान ली अवस्थी जी, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती है। मैथिली गायिका है शारदा सिन्हा जी, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती है। मगही गायिका है विंध्यवासिनी जी, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती हैं। अरे आप लोग 25 साल 30 साल 10 साल 15 साल 5 साल से खाली भोजपुरी गा रहे हो, तो क्या गा रहे हो जो पद्मश्री नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो पैसा लेके क्या जाओ ना, अच्छा गाना खेसारी के लिए अच्छा गाना लिखोगे तो शायद। अभी मैं लिखा मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 में मैंने लिखा खेसारी जी के लिए, और नहीं, पद्मश्री मेरे लिखने से नहीं मिलेगा। अगर आप कमेंट में बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसी लहजे में बात करूंगा कि गायक जो है अच्छा गीत गाएगा। आप एक बात सुनिए कि शारदा जी ने अच्छा गीत नहीं गाया होता, शारदा सिन्हा जी आज पद्मश्री पद्म विभूषण दोनों प्राप्त की, तो बताइए ऐसे पद्मश्री तो नहीं मिला होगा। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक गीतकार का कोई गीत गायक नहीं गाता है, आजकल तो एक एक हीरो के पास 5-5 गायकों की एक टोली रखी हुई है ना, और तब गाना लिखवाया जा रहा है। गाने का ना मीटर है, ना गाने का मीनिंग है, ना गाने का लिंग है ना, एक ही गाने में आप और तुम दोनों बोला जाता है। ऐसे ऐसे गाने आए हैं,
तो ऐसे गानों से पद्मश्री नहीं प्राप्त होगी। पद्मश्री के जो चयन करता है वो IAS अफसर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। ऐसे ही पद्मश्री चॉकलेट नहीं है कि मुंह खोला मुंह में डाल दिए, ऐसा नहीं है। चलिए विश्वास, हम दोनों आदमी के बारे में बोलना चाहेंगे, शहजाद खान के बारे में भी और इनके भी। ये हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं और मेरे छोटे भाई की तरह थे, और उनका बहुत बड़ा पैशन था कि इसमें आगे बढ़ें, लेकिन इसी इंडस्ट्री के कुछ वसूल हैं, कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, कहीं धोखा होता है। उस स्टेज पे अभी जो उन्होंने एक जुनून हो गया कि भाई हमको एक अच्छी फिल्म बनानी, तो हम लोगों ने कोशिश किया। और विनय बिहारी जी का इंट्रोडक्शन बहुत सा आप लोग नहीं जानते होंगे, मिनिस्टर भी थे और जितने भी कल्चरल एक्टिविटी में हमेशा ये वेस्ट चंपारण को गए, और शहजाद भाई मेरे शहर के हो गए, ईस्ट चंपारण। लेकिन दोनों चंपारण एक ही है, गांधी जी की कर्मभूमि रही है। तो इनका ये रहा कि हमेशा अफेक्शन रहा। जब उनको ये पता चला कि शहजाद साहब इस एंगल से काम कर रहे हैं और हम लोग को ऐसे सही आदमी को भी पुश करना चाहिए, तो इन्होंने बल्कि कहा कि नहीं, हम मैंने अमाउंट की बात नहीं रहेगी, जिस भी तरह होगा उस लेवल पे। तो इनका सबसे बड़ा बड़प्पन है कि बिना किसी इसके। और भोजपुरी के बारे में आपकी सोच कैसी है? मेरे हम हमारी भोजपुरी बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है। कोई ऐसा दवा सुई लगाना चाहिए सही होते नहीं? हर आदमी को अपने लैंग्वेज को लव करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो हमको दुनिया कैसे मानेगा। कार्डियोलॉजी में हम भी डॉक्टर हैं, लेकिन इस सब फील्ड में पीछे से साथ देते रहते हैं। बात तो भोजपुरी जो है अपनी भाषा को नहीं महत्व, इतनी रिच गवर्नमेंट है, भोजपुरी सपोर्ट नहीं करती है, क्या कर सकती है? नहीं, सपोर्ट नहीं, जब तक लोग वहाँ के सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे गवर्नमेंट क्या करती रहेगी। जैसे ये भाषा जो है ये इतने कुछ कुछ दूर एक गाँव से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए उसका डायलेक्ट बदल जाता है, बनारस तक में कई सौ, इतनी रिच भाषा है। तो इसको हम लोग को खुद, जैसे ये अभी भी बैठे हुए थे भोजपुरी में बात कर रहे थे, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ। मेडिकल वाले में ये करते हैं, अलग हटते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं घर में। देखिए भोजपुरी हमारी भाषा है, मातृभाषा जो कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। भोजपुरी को एक पुराने जो आयाम मिला, सुजीत कुमार हो, कुणाल जी हो, वो चीज़ें आज तक नहीं मिल पाई। क्या वजह है उसके बारे में नहीं सोचे। स्टार्टिंग जब भोजपुरी की हुई थी तो काफ़ी पिक मिला और काफ़ी तेज़ी से भोजपुरी फिर नीचे गई। बहुत सारी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, भाषा है कि जो आगे बढ़ते चला गया। इससे पीछे मराठी स्टार्ट हुई, आज मराठी करोड़ों करोड़ों की बिजनेस कर रही है, और हमारी पिक्चर डे बाई डे, मतलब यहाँ वितरक नहीं ले रहे हैं पिक्चर, उनको हम कमीशन पे दे रहे थे महंगी पिक्चर बना के, जिससे हमारे बहुत सारे फाइनेंसर भाग रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर भाग रहे हैं। तो ये चीज़ पर मतलब सबको बैठ के एक मंथन करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें मैं पब्लिक के सामने दूँ। भोजपुरी अच्छे दर्शक के सामने आप बात कीजिए तो लोग कहते हैं अरे भोजपुरी का एक्टर है। मैं भी भोजपुरी एक्टर हूँ, मैं भी इसकी रोटी खाता हूँ, लेकिन सामने से कमेंट भी सुनने को मिलता है। लेकिन और ये चीज़ें बहुत सी, विनय भैया ने जो बातें बोली जो कही, इससे मैं बहुत सहमत भी हूँ, क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज है। हम भी आरा जिला के रहने वाला हैं और हमारा बहुत प्यार भाई भाषा से, लेकिन बहुत बुरा लगेगा जब कोई कह बोलेगा अरे भोजपुरी के एक्टर हवान, अरे भोजपुरिया। मैं अभी दिल्ली ये लोकुश रामलीला भैया 2 साल से कर रहा हूँ, शिव की भूमिका निभाता हूँ, सारे हिंदी के एक्टर रहते हैं और मैं भोजपुरी के रूप में उसमें शामिल हुआ। मैं भोजपुरी आर्टिस्ट, अभी अंजना जी सीता का रोल की उसमें, तो जब मेरे अंदर आया तो मैंने वहाँ पर ले गया, तो बहुत लोग अरे भोजपुरी की हीरोइन है, अरे तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। कलाकार कलाकार होता है या किसी भी लैंग्वेज का हो, तो हम उस जगह को, उस मुकाम को पाएँ कि कम से कम ये लेवल हटे कि भोज कभी पंजाबी एक्टर तो नहीं कहते लोग पंजाब का एक्टर है या बंगाल का एक्टर है, ऐसा कोई नहीं होता, कलाकार है। और किसी भी लैंग्वेज में हम बंधित नहीं होते हैं, और अपने उस मुकाम को, अपनी छाप को छोड़े, ताकि लोग प्यार से कहेगा यार भोजपुरी एक्टर, वो चीज़ें आनी चाहिए, तो दुख होता ही। शुभकामना यही है, जो भी हो अच्छे से हो, डिले ना हो किसी भी चीज़ में, और फिल्म हिट हो। आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू द टीम, एंड आई थिंक सब अपनी तरीके से अपना हार्डवर्क कर ही रहे हैं, तो आई थिंक इट विल हैव अ गुड एंड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं तो इस फिल्म का फाइट डायरेक्टर, मेरा नाम मोजेस फर्नांडिस, और मैं विश करता हूँ अपने शहजाद को और हमारे हीरो हीरोइन को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ब्लेस करता हूँ कि अच्छे से काम करें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।